नमस्कार, आप सभी का स्वागत मिड डे प्राइम में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मिड डे प्राइम में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर। जी हां, खासतौर से अगर बात की जाए, आज प्रधानमंत्री हैं रवाना हुए हैं पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर। साथ ही बात करेंगे कोलकाता मामले को लेकर भी, और उसके बाद डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते जो मरीज बेहाल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनका भी जिक्र हम करेंगे। और बात करेंगे अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कौन कौन सी अच्छी खबरें लगातार आ रही हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही हैं। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना। 45 सालों में पहली बार किसी भारतीय पीएम के पोलैंड दौरे से द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगा नया आयाम। रवाना होने से पहले अपने वक्तव्य में पीएम ने किया यूक्रेन का भी जिक्र, कहा संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर बातचीत की प्रतीक्षा। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई का सख्ती है पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पोलीग्राफी टेस्ट। कोलकाता पुलिस ने भी किया तलब। घटना के खिलाफ पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली भी विरोध प्रदर्शन में होंगे शामिल। आरजीके मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ के हाथ। दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल जारी। ओपीडी और नियमित सर्जरी नहीं होने से मरीज बेहाल। सुप्रीम कोर्ट के काम पर लौटने के आग्रह के बाद आज दोपहर आईएमए ने बुलाई रेजिडेंट डॉक्टर्स की बैठक। महिला सुरक्षा को लेकर टीएमसी सरकार पर भाजपा हमलावर। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने साझा किया एक और महिला से धर्मजी का वीडियो। बेहाल कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देसी बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में हम शामिल। कहा हरियाणा का देश के विकास में अहम योगदान। बालिका शिक्षा पर बोली राष्ट्रपति, उच्च शिक्षा में बेटियों ने बनाया अपना खास स्थान। केरल के वायनाड, कोट्टयम, इडुक्की, मलप्पुरम समेत 6 जिलों में बहुत तेज बारिश का अलर्ट। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह। त्रिपुरा में लगातार बारिश के कारण कोवई और धलाई जिले में सभी स्कूल बंद। त्रिपुरा सीएम माणिक साह ने गृहमंत्री अमित शाह से बात कर दी हालात की जानकारी। और आइए मिड डे प्राइम में सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर रवाना हो गए। 3 दिन के विदेश दौरे पर रवानगी से पहले प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कई अहम बातें कही हैं। दोनों देशों के साथ भारत के आपसी संबंधों में नई ऊर्जा के संचार की उन्होंने उम्मीद जताई है। पीएम ने कहा है कि आज मैं पोलैंड गणराज्य और यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहा हूँ। पोलैंड की मेरी यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हम अपने राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे कर रहे हैं। पोलैंड मध्य यूरोप में एक प्रमुख आर्थिक साझेदार है। लोकतंत्र और बहुलवाद के प्रति हमारी पारस्परिक प्रतिबद्धता हमारे संबंधों को और मजबूत बनाती है। मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति आंद्रेज डुडा से मिलने के लिए उत्सुक हूं, ताकि हमारी साझेदारी को और आगे बढ़ाया जा सके। मैं पोलैंड में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मिलूंगा। पोलैंड से मैं राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन जाऊँगा। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा है। मैं द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और चल रहे यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर दृष्टिकोण साझा करने के लिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ पहले की बातचीत को आगे बढ़ाने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। एक मित्र और साझेदार के रूप में हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र वापसी की आशा करते हैं। मुझे विश्वास है कि यह यात्रा दोनों देशों के साथ व्यापक संपर्कों की स्वाभाविक निरंतरता के रूप में काम करेगी और आने वाले वर्षों में मजबूत और अधिक जीवंत संबंधों की नींव रखने में मदद करेगी। पोलैंड और यूक्रेन के यात्रा पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोलैंड और यूक्रेन दौरे का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पोलैंड का ये पहला दौरा है।
जबकि 30 साल में यूक्रेन की पहली यात्रा। दोनों ही देशों में पीएम मोदी के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। पीएम मोदी का यह दौरा कई मायनों में अहम साबित हो सकता है। ये पिछले 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा होगी। पोलैंड में प्रधानमंत्री मोदी का राजधानी वारसा में औपचारिक स्वागत किया जाएगा, जहां पीएम मोदी पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। यहां पे पोलिश सरकार, पोलिश मीडिया, पोलिश लोगों में ऑलरेडी एक उत्साह का माहौल बन चुका है। सारे मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट में फ्रंट पेज स्टोरी है ये कि मोदी जी आ रहे हैं। इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, पोलैंड यहाँ इस रीजन का एक बड़ा कंट्री है जो यूरोपियन यूनियन का एक इम्पोर्टेंट सदस्य है, तो डेफिनेटली हम दोनों की जो बातचीत होगी, प्रधानमंत्री जी की जो बातचीत होगी, उससे रिलेशनशिप को बहुत फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी वारसा में मोंटी कैसिनो स्मारक का भी दौरा करेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत के सैनिकों ने पोलैंड की सेना के साथ मिलकर मोंटी कैसिनो की लड़ाई लड़ी थी और इसमें जीत हासिल की थी। इस लड़ाई में भारत के सैकड़ों सैनिकों की जान भी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी इस स्मारक पर पहुंचकर सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड में कोल्हापुर के महाराजा के सम्मान में बने मेमोरियल का भी दौरा करेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कोल्हापुर के महाराजा ने पोलैंड के 5000 निवासियों को कोल्हापुर में शरण देकर उनके खाने, रहने और पढ़ाई का इंतजाम किया था, जिसके बाद उनके सम्मान में पोलैंड की सरकार ने इस स्मारक का निर्माण कराया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 5000 के करीब जो पोलैंड के निवासी थे उनको शरण दी थी कोल्हापुर महाराष्ट्र के महाराजा ने, जिनका नाम था श्रीमंत राजश्री छत्रपति साहू महाराज। यही कारण है कि आप देखें कि पोलैंड की सरकार ने उनके सम्मान में ये स्मारक बनाया है और यहाँ पर बाकायदा लिखा भी है कि थैंक्स टू द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द प्रिंसिपैलिटी ऑफ कोल्हापुर, और ये बताता है कि किस तरीके से पोलैंड वासियों की उन्होंने सेवा की। पीएम मोदी पोलैंड में व्यापार जगत समेत सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों से भी मिलेंगे। दशकों बाद भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी होने की उम्मीद है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद करेंगे। पोलैंड से नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाना आपने, आखिर क्यों महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री की यह यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड में रह रहे 25,000 से अधिक भारतीय मूल के लोगों को संबोधित भी करेंगे। डीडी न्यूज संवाददाता नीरज सिंह ने यहाँ रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से विशेष बातचीत की। प्रधानमंत्री पोलैंड पहुंच रहे हैं और पोलैंड में उनके दौरे को लेकर भारतीय समुदाय के लोग जो पोलैंड में रहते हैं वो कितने खुश हैं। इनके नारे ये बता रहे हैं कि भारत माता की जय, और प्रधानमंत्री का लगातार ये लोग नाम ले रहे हैं और इनका मानना है कि प्रधानमंत्री के दौरे से एक नई जान भारत और पोलैंड के रिश्तों में आएगी, और इसके साथ साथ जो भारतीय समुदाय के जो लोग हैं वो काफी खुश हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं पोलैंड आप लोगों के बीच में? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं और हम उनसे कल जाके मिलेंगे और उनसे यही कहेंगे कि आगे भी 20-30 साल तक इंडिया में और रहें, और उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। कल पीएम से मुलाकात होगी आप लोगों की, आप जाएंगे एज ए यूथ, आप कैसे देखते हैं इस प्रधानमंत्री की पोलैंड यात्रा को? बहुत अच्छा है कि वो यहाँ आ रहे हैं, काफी लॉन्ग टाइम के बाद, ऑलमोस्ट आई थिंक 40 इयर्स वो यहाँ पर नहीं आए थे इस बिटवीन, मतलब जो भी प्रधानमंत्री रहे थे इंडिया के, तो ये एक अमेरिटी भी अच्छा है कि हम इतने टाइम से यहाँ पर हैं, तो बिजनेस को मतलब अच्छा लग रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा काफी गर्व महसूस होता है, हम काफी खुश हैं मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, एंड वी होप दैट देयर विल बी सम न्यू अमेंडमेंट बिटवीन इंडिया एंड पोलैंड, सो वी आर वेरी पॉजिटिव फॉर हिज अराइवल्स, वी आर वेरी हैप्पी टू सी हिम हियर। प्रधानमंत्री का भारतीय समुदाय के लोग स्वागत कैसे करेंगे? दिल से मैं तो यही चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी हमारे जो है उनका पोलैंड में बहुत बहुत स्वागत है,
और जिस तरह से उन्होंने अपने दिल में भारतीय वासियों के दिल में जो जगह बना रखी है वो हमेशा इस तरह से बरकरार रहे और ये कभी कम नहीं होनी चाहिए। और आने वाले टाइम में मैं यही चाहता हूं कि वही प्रधानमंत्री बने और वही अपनी सीट पे हमेशा रहे, क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। ये आपने देखा कि किस तरीके से उत्साह है और इनका भी मानना है कि प्रधानमंत्री जिन कार्यों को कर रहे हैं उन कार्यों को लगातार करते रहें ताकि देश दुनिया में भारत का नाम गर्व से लिया जा सके और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं वो भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आगे भी इसी तरीके से काम करते रहें और भारत के प्रधानमंत्री बने। कैमरामैन एन ए शिवा के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज पोलैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते एक नई ऊर्जा का संचार वहां नजर आता है। कुछ ऐसी स्थिति हमने यहां पोलैंड में देखी, जो वहां भारतीय समुदाय है वो भी बेसब्री से इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। फिलहाल जब दोनों देशों के बीच संबंधों की हम बात करते हैं या पोलैंड और यूक्रेन की बात तक की जाए, जो ये प्रधानमंत्री की यात्रा है इसको लेकर हमारे साथ डॉक्टर शीतल शर्मा जी जुड़ गई हैं। प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज़ JNU से। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर शीतल। जानना चाहेंगे आपसे जब हम दोनों देशों के बीच ये जो यात्रा है पोलैंड और यूक्रेन की, किस तरीके से आप देखते हैं भारत के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण, क्योंकि पोलैंड की ही अगर पहले बात की जाए तो करीब 45 वर्ष के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां जा रहा है। देखिए, यात्रा अपने आप में बहुत हिस्टोरिक है, बहुत महत्वपूर्ण है और इसके दो तीन मायने हैं। इसके राजनीतिक मायने लगा लीजिए आप, आर्थिक लगा लीजिए या अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशंस के दृष्टिकोण से लगाएं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, यूरोप के साथ जो हमारे संबंध रहे हैं वो काफी अच्छे रहे, घनिष्ठ रहे हैं और मैत्रीपूर्ण रहे हैं, पर कभी भी उनको उतनी हाईलाइट नहीं किया गया है या उतना ज्यादा बताया नहीं गया है। पहला तो इसका ये भाग है। दूसरा ये है कि यदि आप यूरोप के साथ संबंध कहें तो हमेशा से यूरोप के साथ संबंध जो है वो बड़ी बड़ी कंट्रीज के साथ माने जाते हैं, जो यूरोप की बड़ी ताकतें हैं या एक बड़े मेंबर स्टेट समझ लीजिए आप, जैसे जर्मनी हुआ, फ्रांस है, यूके है या इटली है। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जिसका हिस्सा पोलैंड और यूक्रेन है, ये कहीं ना कहीं जो हमारी मीडिया अटेंशन थी या हमारे आपसी बायलैटरल रिलेशंस जिसको कहते हैं द्विपक्षीय में, कहीं ना कहीं इनको उतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा था जितना कि बड़ी ताकतों को था। और तीसरा इसका ये पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो पिछले 70 वर्षों से अगर हम अपने इंटरनेशनल रिलेशंस या फॉरेन पॉलिसी को देखें तो पहले जब कोल्ड वॉर से पहले का एरा है उसमें हमारा जो झुकाव था वो रशिया की तरफ था और उसके बाद जो है वो US डोमिनेट कर गया। तो तीनों ही कॉन्टेक्स्ट में या इन तीनों संदर्भ में यदि हम देखें तो हम एक थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन था कि यूरोप को कम तवज्जो दे रहे थे, उसमें सेंट्रल यूरोप को कम दे रहे थे और कहीं ना कहीं हमारा या किसी भी एक पावर की तरफ झुकाव था। पर मोदी जी के इस अटेम्प्ट से एक बात बहुत जाहिर है कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप कितनी बड़ी ताकत हैं, पर आप एक महत्वपूर्ण इकाई हैं अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस में और इसमें पोलैंड के साथ और यूक्रेन के साथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट विजिट मानी जानी चाहिए। इसका दूसरा पहलू मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अभी प्रधानमंत्री ने रशिया का विजिट किया था और अब यूक्रेन और पोलैंड का है, तो ये एक किस्म का मैसेज जो है वो पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को ये भी जाता है कि देखिए आप हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस हैं किसी के भी साथ, या तो आप रशिया इंडिया रिलेशंस देखिए या इंडिया पोलैंड रिलेशंस देखिए या इंडिया यूक्रेन रिलेशंस देखिए, आप इसे वेस्टर्न फॉरेन पॉलिसी के चश्मे से नहीं देख सकते हैं। हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, हमारी जो अपने इंटरेस्ट वैल्यू बेस्ड रिलेशनशिप्स हैं, वो किसी भी दूसरी दृष्टिकोण से नहीं समझे जाने चाहिए। तो बाकी सारी बातों के साथ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इंडिया इसमें अपनी एक छवि जो है, अपनी ऑटोनॉमी, अपनी इक्विडिस्टेंट टू एनी ऑफ द इन्फ्लुएंसेस ऑफ फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छे से सामने रखेगा विश्व के। जी बिल्कुल डॉक्टर शीतल, और करीब जैसे आपने जिक्र किया कि 70 साल पुराने इस रिश्ते को और ज़्यादा मजबूती जो है वो खासतौर से मिल पाएगी आर्थिक तौर पर अगर देखा जाए, क्योंकि दोनों देशों के बीच इससे पहले भी आर्थिक वंश जो है वो लगातार साझा किया गया है, आर्थिक तौर पर किस तरीके से और महत्वपूर्ण हो जाता है ये जो संबंध है? देखिए, पोलैंड के साथ हमारे पिछले 5-6 वर्षों में तकरीबन 192% का डेटा जो है वो हमारे आपसी ट्रेड में बहुत उछाल आया है। इसके अलावा एक ये भी है कि मिडिल ईस्ट और सेंट्रल यूरोपियन कॉरिडोर जो बनने वाला है, कनेक्टिविटी जो इशू है, कनेक्टिविटी का आप कहीं पे भी अगर आपका आना जाना सुगम है, आपकी ट्रेड लिंक्स हैं, ट्रेड रूट्स हैं, तो वो बहुत ही सुगम बनाते हैं आपके व्यापार को या आपके कॉमर्स को। और इंडिया की सारी बड़ी कंपनीज आप तकरीबन देख
लीजिए जो है वो पोलैंड में मौजूद हैं, और मौजूद ही नहीं है, वहाँ की काफ़ी अच्छी आवाम को वो जो है एम्प्लॉयमेंट देती है जी। अब बात ये है कि हम किस तरीके से इन कंट्रीज में, सेंट्रल ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में अपना ट्रेड फुटप्रिंट छोड़ें, अपने व्यापार को बढ़ाएं, अपने व्यापार को बढ़ाने के साथ साथ उसका क्वांटम और अपनी सर्विसेज सेक्टर्स को भी वहाँ पर खोलें। हमारा सिर्फ ये एम नहीं है कि हम एक सिक्योरिटी के दृष्टि से, क्योंकि यूरोप की सेंट्रल ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हमसे काफी दूर है। देखिए अगर आप सिक्योरिटी की बात करें तो यूक्रेन का अटैक जो है वो यूरोप के लिए जरूर एक चिंता का विषय है, पर अभी हम उससे थोड़ा सा दूर हैं। सिक्योरिटी के साथ जो है वो आर्थिक समझौते, जो हमारे व्यापारिक समझौते हैं यूरोप के साथ, एक यूरोपियन यूनियन पे हमारा अलग फ्रेमवर्क चलता है, पर अगर हम इंडिविजुअल मेंबर स्टेट्स के साथ अपना व्यापार बढ़ाते हैं तो वो हमारे भी हितकर है। और यूक्रेन और पोलैंड जो है, पोलैंड 8वीं इकोनॉमी है यूरोपियन यूनियन की रैंकिंग के हिसाब से, और काफी बड़ी तादाद है, और धीरे धीरे भारतीयों का भी नंबर जो है, भारतीयों की जनसंख्या यहाँ पे बढ़ती जा रही है, और भारतीय सभ्यता में, भारतीय कल्चर में जो है वो पोलिश लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हमेशा से रहा है। आप जानते हैं तकरीबन 1500 सदी से हमारे पोलैंड के साथ संबंध रहे हैं, हालांकि बहुत ही अनरिकग्नाइज्ड, अंडररेटेड, अनअप्रिशिएटेड रहे हैं, को इतनी पहचान नहीं मिल पाई है, या इतने मुखर नहीं रहे हैं हम उनके बारे में, बट ये संबंध हमारे बहुत ही गाढ़े रहे हैं। और जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी, और महाराजा जम साहेब ने के जो प्रयत्न रहे हैं पोलिश नागरिकों को जो वहां से भाग कर आए थे उनको यहाँ पे शरण देने की, तो ये संबंध जो है वो बहुत हिस्टोरिकल है, गहरे हैं, और यदि इनको सही दिशा दी जाती है और इनको सही तवज्जो दी जाती है, या मैं कहूंगी कि रिकग्निशन होता है, तो ये हमारी दोनों कंट्री के बायलैटरल के लिए बहुत ही मुख्य रहेंगे। जी बिल्कुल, उसके जरिए और ज़्यादा जो लाभ है वो मिल पाएगा, और यही जो यात्रा उसी वजह से और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसा आपने कहा कि जो आर्थिक रिश्ते हैं वो भी प्रगाढ़ होते हुए नज़र आएंगे, और भारत की भी अगर अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं, विश्व में तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था, उस लिहाज से और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कि अलग अलग देशों के साथ जिस तरीके से भारत के व्यापारिक संबंध रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अभी कुछ वर्षों पहले तक चाइना की एक बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसी रही थी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में अपना इकोनॉमिक फुटप्रिंट छोड़ने की, और काफ़ी हद तक रेल रूट के थ्रू जो है वहाँ काफ़ी माल पहुँचाया जाता था, काफ़ी घनिष्ठ संबंध थे, बट कहीं ना कहीं चाइना की जो अपनी मंशा थी वो धीरे धीरे सेंट्रल ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में पता लगने लग गई कि भाई चाइना जो है अपना डंपिंग ग्राउंड है, ये उनको बना रहा है, या इनके जो है इनकी इकोनॉमी का उस तरीके से फायदा नहीं कर रहा, बल्कि उनको नुकसान पहुंचा रहा है। भारत का जो ट्रस्टवर्दी कैरेक्टर है, भारत की जो विश्वसनीयता है, आप भारत को एक अच्छे मित्र के रूप में देख सकते हैं। हमारा ट्रेड और व्यापार यदि बढ़ता है, जो केमिकल्स में, टेक्सटाइल सेक्टर में है, आगे डिफेंस में, दोनों कंट्रीज जो हैं क्योंकि अब यूक्रेन वॉर के रहते अपने को इस तरीके से भी मजबूत करना चाहेंगी, तो जो सेक्टर्स हमारे ओपन हम कर सकते हैं, जिनमें ऑलरेडी हमारे रिश्ते हैं उन्हें घनिष्ठ किया जाए, जो नहीं अभी तक खोले गए उन रस्तों को खोला जाए, और किस तरीके से आपके डेली मर्रा की चीजों से लेके, टेक्सटाइल से लेके, आप ज्वेलरी, केमिकल्स जो हैं, मेटल्स हैं, और साथ में डिफेंस सेक्टर्स में कोऑपरेट करते हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी हमारी। जी बिल्कुल, और एक जाहिर तौर पर एक बड़ी उपलब्धि, और इस द्विपक्षीय वार्ता से उम्मीद यही है कि अलग अलग जो समझौते हैं वो होंगे। और बात जहां तक यूक्रेन की भी की जाए, क्योंकि भारत का कहना लगातार यही रहा है कि हम शांति चाहते हैं, हर किसी देश के साथ एक संदेश सीधे तौर पर है, और अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने जाने से पहले इस बात का भी जिक्र किया कि संघर्ष के बीच शांतिपूर्ण समाधान की हम उम्मीद कर चल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तीसरे वर्ष में है अब यूक्रेन का और रशिया का, अब ये किस करवट आगे जाता है ये यहाँ से प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है कि ये कब बंद होगा। हालांकि सभी ये चाहते हैं कि कल ही या आज ही बंद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यूक्रेन जो है आने वाले वर्षों में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्री के रूप में उभरेगा यूरोपियन यूनियन की सारी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में। वो इसलिए कि जो ये कोल्ड वॉर राइवलरीज जो हैं, शीत युद्ध के जो रिफ्लेक्शंस हैं, वो एक बार दोबारा से आ गए हैं। रशिया का पूरा जो युद्ध का कारण ही है वो इसलिए है कि नाटो जो है यूक्रेन की मेंबरशिप के साथ ईयू में बिल्कुल उसके डोर स्टेप पे आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कंसर्न है। पर इसके मद्देनजर ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूक्रेन यदि अब यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनता है तो उसकी अपनी कठिनाइयां हैं, क्योंकि आर्टिकल 5 ट्रिगर हो जाता है और वो कलेक्टिव डिफेंस का इशू आ जाएगा। अब ये इन सब के रहते भारत का क्या रोल हो सकता है?
भारत देखिए एक बहुत ही चाइना और भारत इसमें एक ऐसा रोल निभा सकते हैं कि डायरेक्ट आप वॉर को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, डायरेक्ट आप पीस को नहीं कर सकते हैं, पर आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप इन कंट्रीज को एक मैसेज दे सकते हैं कि पीस जो है आप इनको एक दिशा दिखा सकते हैं कि किस तरीके से युद्ध रोका जा सकता है या फिर उसका जो समीकरण है कि और बिल्कुल उसी का जिक्र भी किया डॉक्टर शीतल प्रधानमंत्री ने कि कैसे संघर्ष के बीच जो शांतिपूर्ण समाधान है वो यहाँ होना चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर शीतल हमारे साथ जुड़ी थी, बता रही थी कि किस तरीके से जब हम पोलैंड की बात करते हैं, यूक्रेन की बात करते हैं, भारत के कितने अच्छे संबंध रहे हैं और इस यात्रा के बाद से ये जो संबंध है और भी मजबूत होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल मिडडे प्राइम में हम यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। फूल वाला, किटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई, बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं नहीं बैंक संभाल ले। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है, बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है, बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा लाइए मुझे दीजिए, फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। God! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर वन मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मिड डे प्राइम में। भाई आगे बढ़ते हैं। कोलकाता मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब आपको बता दें CISF की टीम कोलकाता के आजिकर अस्पताल पहुंची। कल सुप्रीम कोर्ट ने आजिकर हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा CISF को सौंपने का आदेश दिया था और अभी तक सुरक्षा कोलकाता पुलिस के हाथों में है। CISF की टीम आजिकर अस्पताल पहुँच चुकी है। CISF के DIG के प्रताप सिंह ने कहा कि वे अपने काम के लिए यहां पहुंचे हैं, जिन्हें उनके उच्च अधिकारियों ने सौंपा है। Let us do our job. We have come for some job here, assignment. I am doing my job which has been mandated by higher authority. So let me do our job. Whatever input we require, it will be given to you once we do our job. वहीं आपको बता दें कोलकाता स्थित आजिकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से आज छठे दिन भी CBI की पूछताछ जारी है। सूत्रों के अनुसार मामले में CBI संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट भी करवा सकती है। कॉलेज की रेजिडेंट डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में संदीप घोष को हिरासत में लेकर CBI पिछले 5 दिनों से पूछताछ कर रही है। कल CBI ने उनसे करीब 11 घंटे तक पूछताछ की थी। संदीप घोष को पहली बार बीते गुरुवार को CBI ने तलब किया था, लेकिन उस दिन वह हाजिर नहीं हुए। इसके बाद शुक्रवार को CBI ने संदीप घोष को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। वहीं संदीप घोष को मामले में कोलकाता पुलिस ने भी तलब किया है। आपको बता दें देश भर में कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज खासतौर से आजिकर अस्पताल के डॉक्टर CBI दफ्तर से लेकर स्वास्थ्य हाल तक उन्होंने पैदल मार्च निकालने की बात कही है। और साथ ही अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में लगातार जो डॉक्टर्स का प्रदर्शन चल रहा है कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का ये पूरा मामला, इसको लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर भी डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया।
इस प्रदर्शन में दिल्ली के अलग अलग सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर पहुंचे हैं। जंतर मंतर पर बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी दिल्ली के सभी प्रमुख सरकारी अस्पताल में ओपीडी सेवा बाधित है। ऐसे में दिल्ली के जंतर मंतर पर मरीजों के लिए ओपीडी सेवा प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स के द्वारा दी जाएगी, ये बात कही गई थी। लेकिन लगातार जो प्रदर्शन है वो चल रहा है और इस बीच सवाल अब ये उठने लगा है कि डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते जो मरीज हैं वो बेहाल हो रहे हैं। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कोलकाता से प्रसन्नजीत बख्शी जुड़ चुके हैं। प्रसन्नजीत, जानना चाहेंगे आपसे, लगातार जिस तरीके से सीबीआई की जो जांच है वो चल रही है, ना सिर्फ, और आज हमने पहले देखा कि जो सीआईएसएफ के डीआईजी हैं वो वहां पहुंचे थे, क्या ताजा जानकारी पूरे मामले में? देखिए मुकुल, फिलहाल जो पूरे बंगाल की रेसिडेंट डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर और काफी सारे सीनियर डॉक्टर, इन लोगों का जो मार्च सीबीआई ऑफिस से स्वास्थ्य भवन तक वो जारी है, करीब करीब स्वास्थ्य भवन की पास ही इन लोगों ने पहुंच गए हैं। सारा बार 12:30 बजे शुरू हुई है मार्च जी। और इसमें कहना यह है कि प्रिंसिपल गायब है, प्रिंसिपल गायब है। आप यहाँ पे सीआईएसएफ की जो नियुक्ति और उनसे यहाँ की सिक्योरिटी की बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रिंसिपल नहीं है, हमारे एमएसवीपी नहीं है, हमारे डीन नहीं है, तो ऊपर से नर्सिंग सुपर भी नहीं है, तो हम यहाँ पे अनाथ है। और इसीलिए अस्पताल में जब हम अनाथ है तो हम स्वास्थ्य भवन आ चुके हैं और मार्च कर रहे हैं कि कम से कम हम किसके भरोसे अस्पताल में काम जारी रखे, काम पे वापस आए और ओपीडी सेवा शुरू करें। ये स्वास्थ्य भवन को इसकी जवाब देना पड़ेगा, एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि कल की जो सुप्रीम कोर्ट की जो कुछ भी सुनवाई और दिशा निर्देश है उसको स्वागत करते हुए इन लोगों का कहना है सब कुछ ठीक है, लेकिन 9 तारीख से 20-21 तारीख तक हम लोग देख रहे हैं कि एक संजय राय जो गिरफ्तार हुआ है उसके बाद जो मांग लेकर हम 9 तारीख को प्रदर्शन में बैठे थे आज भी उसी जगह पे है, तो बिल्कुल इसी का इंतजार में है कि कुछ हो जाए। मुकुल जी, प्रसन्नजीत, लेकिन इसके साथ साथ संदीप घोष के पॉलीग्राफी टेस्ट की जो बात है वो भी की जा रही है, क्या माना जाए, क्या उससे कुछ सच्चाई जो है वो निकल कर बाहर आएगी? हाँ देखिए, एक तो संजय राय की पॉलीग्राफ टेस्ट की बात बताया गया कल, और आज बताया जा रहा है कि संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा जी। देखिए, ये चुनौती सीबीआई के लिए तो है ही, और सीबीआई अपने तरफ से जितना कोशिश हो सके किया जा रहा है सीबीआई की तरफ से, लेकिन ये एक ऐसे टकराव का स्थिति है कि जो डॉक्टर है, जो बाकी लोग है, कम से कम आरजी कौर में और बंगाल में, इनका कहना है कि 10 दिन पहले हम जहां पे थे 10 दिन बाद भी हम वहीं पे हैं, उससे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए, तो पूरे देश में क्या होगा, किस तरह से टास्क फोर्स काम करेगी, किस तरह से सीआईएसएफ यहाँ पे सुरक्षा की मुआयना करके वहां पे हमारे सुरक्षा देंगे, ये तो अलग बात है, लेकिन हम हमारी जो साथी को खोए हैं, ये बर्बर तरीका से उनको मारा गया है, इसके बारे में हम एक कदम आगे नहीं जा पाए, तो इसी का इंतजार में हम लोग है, जिस दिन हो जाएगा, जैसे भी हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने कल जब सुप्रीम कोर्ट के सामने सीबीआई की तरफ से जो तहकीकात की रिपोर्ट पेश किया जाएगा वहां तक इन्होंने बोला कि हमने कम से कम यहां तक तो हम इंतजार करेंगे। मुकुल जी, बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ जो प्रदर्शन का दौर है प्रसन्नजीत वो लगातार चल रहा है, और हमने देखा था कि सौरव गांगुली ने भी कहा था कि वो भी शायद इस प्रदर्शन में शामिल होंगे, और किस तरीके से जो प्रदर्शन है वो मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है, जो लोग हैं वो इससे जुड़ रहे हैं। मुकुल देखिए, आज शाम को 3 बजे और 7 बजे, 3 बजे जो हमारे मैदान इलाका बताया जाता है जहां पे ईडन गार्डन्स है, जहां पे मोहन बागान इस बंगाल मोहम्मद स्पोर्टिक की अपने अपने मैदान है, ये जो मैदान इलाका बताया जाता है यहाँ पे प्रदर्शन दिखाएंगे सौरव गांगुली बाकी लोगों के साथ, और शाम को 7 बजे उनके जो लोकैलिटी है बेहाला कोलकाता पश्चिम के जगह पर वेस्ट कोलकाता में, वहां पे वो प्रदर्शन दिखाएंगे। तो मतलब आप समझ लीजिए कि सौरव गांगुली अगर रास्ते पे उतरते हैं, अगर वो इस तरह से अपना वी वांट जस्टिस की नारे लगाते हैं, तो ये काफी सारे दबाव है और पूरे बंगाल के लोग इसमें
शामिल हो जाएंगे। और जी, वो बिल्कुल, क्या है मुकुल जी, बिल्कुल काफी सारे सवाल और इन सवालों में ममता सरकार जो है घिरती हुई नजर आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जो प्रदर्शन का दौर है वो ना सिर्फ कोलकाता बल्कि दिल्ली की भी बात की जाए, यहाँ भी लगातार पर जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं, लेकिन डॉक्टरों की हड़ताल से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की अगर बात की जाए तो यहाँ मरीज बेहाल हैं। खासतौर पर दूसरे राज्यों से आने वाले मरीजों को भारी मुसीबत से गुजरना पड़ रहा है। अस्पताल आए मरीजों की परेशानी का जायजा लिया हमारे संवाददाता। ओपीडी में आए दिखा नहीं रहे हैं, इमरजेंसी में दिखा दो, बोले सिक्स फ्लोर पर ले जाओ, वहाँ पे भी नहीं है डॉक्टर। यहाँ पे आए तो यहाँ पे बोले है नहीं, अब जाओ कल आना, कल आओ तो परसों आना। हम लोग आए तो डॉक्टर देखे लेकिन वो देखने से मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं स्ट्राइक चल रहा है तो हम नहीं देखेंगे। डिलीवरी वगैरह जो है अगर उन्होंने मतलब बोला है कि स्ट्राइक नहीं टूटेगी तो डिलीवरी वगैरह नहीं होगी यहाँ पे, ये बोला है उन्होंने। जैसे एम्स में भी प्रॉब्लम है, मैं एम्स में दिखाती हूँ तो वहाँ पे जैसे थेरेपी वगैरह चलती है तो थेरेपी वगैरह कुछ नहीं चल रही है वहाँ पे, ये सब प्रॉब्लम है। सर कोई डॉक्टर बैठा ही नहीं, हमारे जो डॉक्टर देखते हैं मानसिक रोग का, सर डॉक्टर साहब बैठे ही नहीं हुए हैं, बोले क्या कि नहीं हड़ताल पे डॉक्टर साहब है। तीन दिन से मैं फिर के जा रहा हूँ, एक हफ्ता में तीन दिन फिर गया हूँ, ना बूथ के बैठे ना ही बूथ के बैठे ना आज बैठे, सर आज भी मैं फिर के जा रहा हूँ। दोस्त बिहार से आए हूँ, दो 400-1000 रुपये खर्चा हो गया सर, मगर हम हमारे कोई मन यहाँ पर सुनवाई नहीं है सर। 5 तारीख से चक्कर काट रहा हूँ, 9 तारीख से डॉक्टरों सीनियर डॉक्टर सारे हड़ताल पे चले गए, हमें एक्चुअली डेट भी नहीं मिल रहा है कि आपको कितनी तारीख को डेट आना है। सर हम प्राइवेट जॉब करने वाले लड़के हैं, ऑफिस वाले भी इतनी दबाव देते हैं कि आप 2 दिन की छुट्टी लेते हैं 6 दिन गायब है, हमें एक्चुअली एक डेट मिल जाना चाहिए ना, हम भी किराया भाड़ा सुबह से पड़े हैं सर। ये बोल रहे हैं कि अभी अनिश्चित काल के लिए डॉक्टर हड़ताल पे चले गए। कोई विडम्बना है, दुविधा में अब जो मरीज हैं सब परेशान हैं। वहीं एम्स प्रशासन ने अपने रेजिडेंट डॉक्टर से रोगियों की देखभाल के हित में काम पर वापस लौटने की अपील की है। उन्होंने अनुरोध किया है कि वे तुरंत अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू करें ताकि रोगी देखभाल सेवाएं सामान्य हो सकें। साथ ही भारत सरकार स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट रूप से प्रतिबद्ध है। वहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। तो सीधे तौर पर लगातार आपको हम इस पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से हर जगह विरोध प्रदर्शन, लेकिन अब स्थिति ये है डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते जो मरीज हैं वो बेहाल हो रहे हैं। हमारे संवाददाता नितेंद्र फिलहाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नितेंद्र क्या स्थिति है, क्योंकि जो मरीज थे उनकी आप बीती तो हमने सुनी, लेकिन जाहिर तौर पर ना जाने कितने ही और मरीज होंगे जो कि दूर दराज इलाकों से आते होंगे, लेकिन डॉक्टर जो कि अभी भी स्ट्राइक पर ही आमादा है। देखिए मुकुल, जिस तरीके से लोग बोल रहे थे उनका दर्द है ये, और ये दर्द सिर्फ 4-5 लोगों का नहीं है। हम जानते हैं कि एम्स में हर दिन कम से कम 12,000 लोग ओपीडी में दिखाने आते हैं। ठीक, मैं इस वक्त सफदरजंग अस्पताल में हूँ, सफदरजंग में भी 10,000 से लेकर के 12,000 लोग ओपीडी में हर दिन दिखाने आते हैं। और पूरे अगर दिल्ली की बात करें तो करीब से कम 50-60 हज़ार लोग हर दिन ओपीडी में दिखाने आते हैं। और आप देखिए कि इस वक्त सन्नाटा है, अगर देखा जाए कि बाकी दिनों की अपेक्षा एम्स में और सफदरजंग में इस समय पैर रखने की जगह नहीं होती है, और आप देखिए कि पूरा का पूरा सन्नाटा है, कोई यहाँ पर है नहीं। और जब मरीज आते हैं तो उनको बोल दिया जाता है कि आप हड़ताल है अनिश्चितकालीन, आप बाद में आइएगा, कल आइएगा, फिर जब हड़ताल टूटेगा तब आइएगा। तो ये दर्द बहुत ही गहरा है इनका, इनकी कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ फैकल्टी बैठ रहे हैं, फैकल्टी भी कम संख्या में होते हैं, और इस वजह से जो मरीजों का दबाव बढ़ता जा रहा है। अगर एम्स के रिपोर्ट की बात करें, कल जो हम लोगों से साझा किया गया था कि जो सर्जरी है वो 85% की गिरावट आई है। अगर आप सोचिए कि अकेले एम्स में सर्जरी में 85% की गिरावट आई है, यानी उसमें कई गंभीर मरीज होते हैं जिनकी जान जा सकती है। ओपीडी में 50% से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। सीधे सीधे आधी से भी कम संख्या में मरीज को देखा जा रहा है, और ये हालात बहुत ही एक तरह से दयनीय भी है, और बहुत ही सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर मरीज जाए तो जाए कहाँ। और पूरे देश की लगभग यही स्थिति है, जब ओपीडी में डॉक्टर बैठ नहीं रहे हैं, रेजिडेंट डॉक्टर बैठ नहीं रहे हैं, और सर्जरी नहीं हो रही है। तो जी बिल्कुल नितिन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का जिक्र किया था कि जो डॉक्टर्स हैं वो अपने काम पर वापस लौटें, और आज एम्स हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो वहाँ से रेजिडेंट डॉक्टर्स को भी ये लगातार कहा गया है कि आप अपने जो कर्तव्य है उसको निभाइए, अपने काम पर वापस आएँ, जिससे जो मरीज हैं उनको उनकी जो परेशानी लगातार चल रही है इतने दिनों से वो खत्म हो सके।
जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले एम्स प्रशासन ने सभी अपने रेजिडेंट डॉक्टर से अपील की, एक पत्र जारी किया है कि आप अपने काम पर लौटे और जो भी आपकी समस्या है उसके लिए संबंधित विभाग के डीन है और बाकी जो एचओडी है उनसे अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन जो मूल काम है आपका मरीज को देखना, ये आपका सेवा भी है दायित्व भी है, तो उसको कम से कम जारी रखें। भले ही विरोध प्रदर्शन आप अलग अलग रूपों में कर सकते हैं, इसी तरीके से जितने भी मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं सबने अपील जारी की है, केंद्र सरकार ने अपील जारी की है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल, DGHS ने भी अपील की है, सुप्रीम कोर्ट अलग से चीफ जस्टिस ने अपील की है कि आप लोग अपने काम पर लौटे। थोड़ी देर बाद 2 बजे से IMA हेडक्वार्टर में दिल्ली के जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनको मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है, देखते हैं कि वहाँ पर क्या नतीजा निकलता है। प्रेस को भी बुलाया गया है, तो कहीं ना कहीं सबकी यही अपील है कि आपकी बात की सुनवाई हो रही है, आपकी समस्याओं को भी बहुत गंभीरता से देखा जा रहा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर सरकार के स्तर पर हो या फिर प्रशासन के स्तर पर हो, लेकिन जो मूल बात है कि जो बाकी मरीज सफ़र कर रहे हैं, जो गंभीर रूप से बीमार लोग हैं जिनकी ज़िंदगी दांव पर लगी हुई है, जिसमें आप समझ सकें कि सैकड़ों लोग मर गए होंगे। मैं जिस तरीके से मैं देखता हूँ, मैं एम्स में सर्जरी अगर नहीं हो, लोग 6 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 1-1 साल का वेटिंग लेते हैं और उसके बाद उनको डेट मिलता है। अभी 2 मरीज बोल रहे थे कि हम बिहार से आए हैं, इतना भाड़ा खर्च करके आए हैं और हमें ओपीडी में डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं आप हड़ताल की वजह से हम नहीं दे सकते। तो ये स्थिति बहुत ही गंभीर है, इनकी भी बात को सुनी जाए, मरीजों का भी हाल देखना बहुत ज़रूरी है और ये समस्या काफ़ी विकराल होती जा रही है जैसे जैसे अगर ये हड़ताल आगे बढ़ता जाएगा। जी बिल्कुल, लगातार जो समस्या है वो विकराल रूप ले रही है और कहीं ना कहीं इस हड़ताल के चलते जो मरीज़ हैं बेहाल हो रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता नितेंद्र सफदर अस्पताल में मौजूद थे, बता रहे थे किस तरीके के हालात फिलहाल बने हुए हैं, लेकिन कोलकाता के आरजीगर अस्पताल की घटना को लेकर पूरा देश उद्वेलित है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने एक दिल दहला देने वाला वीडियो जारी किया है। ये वीडियो पश्चिम बंगाल के आनपुर का बताया जा रहा है, जहां झाड़ियों में एक महिला का शत-विशत शव मिला है। शव की स्थिति को देखकर लग रहा है कि उसके साथ बड़ी क्रूरता की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुकांत मजुमदार ने लिखा, दीदी द्वारा बनाए गए सबसे सुरक्षित शहर में एक और निर्भया का दुखद अंत होता है। हमला इतना क्रूर था कि पीड़ित की पहचान करना असंभव है। उसका निर्जीव शरीर आनंदपुर के बाईपास के पास एक झाड़ी में पाया गया, जिसे राहगीरों ने देखा। वाकई अपने आप में झकझोर देने वाली ये तस्वीरें निकलकर लगातार सामने आ रही हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल ममता सरकार जो है वो सवालों के घेरे में और खासतौर से वीडियो जारी करने के साथ ही सुकांत मजुमदार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग भी की है। और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं, जितेंद्र सिंह जो हैं प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आइए देखते हैं। We're going to be witness with it. In fact, when the Chandrayaan launching happened, and I was asked to make an announcement, I just spoke 3 sentences. I said it's a moment of glory for India and a moment of destiny for all of us sitting over here in Sriharikota, who had the privilege of watching this. So, I wish all of you. Though the timing is little early, this they have made slightly preponed it to I think 9:30. So reaching Bharat Mandapam is going to be slightly not inconvenient, but less convenient exercise. But then they had certain other reasons because other events coming up after that. And usually the media fraternity works late night, so that we apologize in advance for that. And thank you. Thank you, Honorable Minister Sir. Now floor is open for questions related to Space Day, National Space Day. We request our media friends to introduce themselves and ask their questions. Sir, Jacob Koshi from The Hindu. So the original plan was that the Rashtriya Vigyan Puraskar Awards were to be given on National Space Day, but now it has been preponed by the day as by a day, as we understand. So what is the reason for this? No, there's no big issue regarding that. In fact, we always wanted that the two events should happen separately. So our constraint as far as the National Space Day is concerned, that this date is sacrosanct, 23rd, so we can't change it. And there were certain issues
related to the availability of the Rashtrapati, because the national awards of this nature are always handed over by the Rashtrapati, whether it's sport award or the those Kirti Chakra and awards or the awards related to culture and INB. So this also falls in the same category. So it, as per tradition, had to be handed over by the Prime by the Rashtrapati. So it was just trying to seek Rashtrapati's convenient time. So we were, we actually were trying to follow it up with the Rashtrapati staff, Rashtrapati Bhavan staff, and finally they conveyed to us that the Rashtrapati could be available on 22nd. So the date was decided by their convenience. Of course, next year onward, we'll have a fixed date for this also, the National Technology Day. It will be the day where you have the awards. So we'll have a permanent day. Now, since this year we couldn't have it on the National Technology Day because the awards were being in the process of finalized. So they were finalized afterwards and already it got delayed. Then meanwhile the election code of conduct came. So these awards which are already due are now being handed over on the 22nd. But next time we'll have it on the National Technology Day as an annual feature. So the two dates being different. 127, Piyush. सर मैं पीयूष पांडे हूँ टीवी 9 भारतवर्ष से. मेरी गुजारिश ये है आपसे कि आप एक बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के बारे में हिंदी में थोड़ी सी जानकारी दे दें. और मेरा सवाल ये है कि चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 को लेकर के भी तैयारियां चल रही हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हमें दें. अब ये आप ये जितनी आपकी वार्ता है इसको हिंदी में अनुवाद करके बहुत बता सकेंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा बहुत कार्यक्रम के बारे में, लेकिन जो बाइलिंगुअल है वो बोर ना हो जाए, तो इसलिए थोड़ा संक्षेप में. एंड चंद्रयान 4 के बारे में भी बता दें. ठीक. तो जैसा मैं पहले बता रहा था, जो नेशनल स्पेस डे है, ये जो चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर का अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, हाँ राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है, वो चंद्रयान 3 का जो लैंडर विक्रम लैंडर का लैंडिंग हुआ था लूनर साउथ पोल पे, उसको सेलिब्रेट करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगस्त 23 को हर साल एक राष्ट्रीय स्पेस दिवस है, नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा, ऐसी घोषणा की थी. और चूंकि ये पहला नेशनल स्पेस डे था, मेडन स्पेस डे, तो हमको ऐसा कहा गया कि इसको पूरे नेशन ने साथ में मिलकर मनाना चाहिए, एक ये सिर्फ इसरो का इवेंट नहीं होना चाहिए. इसीलिए हमने जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, बाकी जितने मंत्रालय हैं, विभाग हैं, उनके साथ में कोऑपरेट किया, इंक्लूडिंग एनजीओज, स्कूल्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, आईआईटीज, और उन्होंने जो है इसको पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसरो के बिहाफ पे सेलिब्रेट किया. इसरो वॉज टेकिंग द बैक सीट, इनफैक्ट दे वर टेकिंग द मेन सीट. और 1000 से ज़्यादा इस तरह की जो इवेंट्स हैं पूरे देश में ऑर्गेनाइज किए गए. और मैं बता रहा था कि दो जो मेन इवेंट जो अट्रैक्शन रहे, एक हमने भारतीय अंतरिक्ष हैकेथॉन किया था कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें 12 तरह के चैलेंजेस उन स्टूडेंट्स को दिए गए थे. कुछ चंद्रयान 3 डाटा का यूज़ करके थे, कुछ नेविगेशन सैटेलाइट डाटा यूज़ करके थे, कुछ हमारे हाई रिजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं उनका डाटा दिया गया था. और अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स दी कि सपोज एक ट्रैफिक सिमुलेट कीजिए सिटी के अंदर, तो आप उसको अगर ट्रैफिक है अलग अलग इसमें, तो आप कैसे सिमुलेट करके बता सकते हैं कि बेटर प्लानिंग कैसी होना चाहिए. और ये सारा कोडिंग जो है उनको सिर्फ 30 घंटे का टाइम दिया था, नॉन स्टॉप 30 आवर्स देव टू वर्क, और उसको पूरे को एक उनको इनोवेटिव सॉल्यूशन लेके आना है. तो उसमें 3 इस तरह की टीम को जो है सिलेक्ट. तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सबसे पहले उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और खासतौर से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी नेशनल स्पेस डे जो कि 23 अगस्त को मनाया जाएगा, इसको लेकर उन्होंने यहाँ प्रेस को जानकारी दी किस तरीके से पूरा जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया जा रहा है. और क्योंकि पहली बार चंद्रयान 3 की जो एक वर्षगांठ के तौर पर अब से जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है उसको मनाने का फैसला किया गया है, तो पूरी धूमधाम के साथ और पूरे हर्षोल्लास के साथ कोशिश रही पूरा देश जो है इस कार्यक्रम से जुड़े और अपने अपने स्थानों पर भी इस कार्यक्रम को आयोजित करें. उसी के बारे में उन्होंने जानकारी दी, करीब 1000 से ज़्यादा जो कार्यक्रम है वो इसको लेकर आयोजित हुए हैं और अब 23 तारीख में भी आयोजन जो है उसका किया जाएगा. फिलहाल हम यहाँ रखेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं.
जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मिड डे प्राइम में। कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी ही पार्टी में घिरती नजर आ रही हैं। मामले में पूरे देश की आम जनता के रोष का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। अब ममता बनर्जी खुद अपनी पार्टी यानी TMC के निशाने पर भी हैं। इस मामले को लेकर बीते दिनों कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिससे TMC में 2 फाड़ नजर आ रहे हैं। RG Kerr मेडिकल कॉलेज से इस्तीफा देने के बाद प्रिंसिपल को दूसरे अस्पताल का प्रभार देने का फैसला भी ममता बनर्जी को उनकी अपनी पार्टी में ही निशाने पर लेने वाला साबित हुआ। कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने इस मामले को लेकर कोलकाता में मार्च निकाला था, लेकिन TMC के प्रमुख नेता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी खुद इसमें शामिल नहीं हुए। इसके अलावा TMC के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर ने भी पूरे मामले में कोलकाता पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए CBI जांच की मांग की थी। इसके बाद सुखेंदु शेखर को कोलकाता पुलिस ने नोटिस जारी कर पेश होने के लिए कहा था। पार्टी नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर शांतनु सेन ने भी पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद उन्हें पार्टी प्रवक्ता पद से हटा दिया गया। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा खुद ममता बनर्जी संभाल रही हैं। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 20 अगस्त को ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाई, जिससे साफ है कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में ममता बनर्जी प्रशासन को विफल मान रहा है। और आइए आगे बढ़ते हैं खबरों में। राष्ट्रीय महिला आयोग ने तमिलनाडु के कृष्णगिरी में एक फर्जी NCC शिविर में जुड़ी घटना पर स्वतः संज्ञान लिया है। दरअसल तमिलनाडु के कृष्णगिरी में एक फर्जी NCC शिविर में 13 लड़कियों का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया था। इस पर आयोग ने DGP चेन्नई को निर्देश दिया कि घटना की निष्पक्ष रूप से जांच की जाए, साथ ही आरोपियों पर संबंधित कानून के तहत मामला दर्ज करें। पुलिस और राज्य सरकार ने 3 दिनों के भीतर एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट की गई घटना के अनुसार शामिल कर्मियों का NCC से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा कृष्णगिरी जिले में कोई NCC शिविर आयोजित नहीं किया गया था। और वहीं केंद्र सरकार ने कश्मीर घाटी में चुनाव के लिए अब तक अर्धसैनिक बलों की 300 कंपनियों को तैनात किया है। कश्मीर घाटी में विधानसभा चुनाव के सुचारू संचालन के लिए CRPF, BSF, SSB और ITBP सहित अर्धसैनिक बलों की 298 कंपनियां तैनात की गई हैं। श्रीनगर, हंदवाड़ा, गांधरबल, बडगाम, इसके साथ साथ कुपवाड़ा, बारामूला, बांदीपोरा, अनंतनाग, शोपिया, पुलवामा, अवंतीपोरा और कुलगाम जिलों में सुरक्षा बलों की नियुक्ति की गई है। निर्वाचन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश में 3 चरणों में होने वाले मतदान के पहले चरण की अधिसूचना कल जारी कर दी। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर, दूसरे चरण का 25 और तीसरे व अंतिम चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा। और आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार किस तरीके से जो सकारात्मक खबरें आ रही हैं, एक मोमेंटम जो बना हुआ है उससे जुड़ी एक और खबर। जी हां, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने लगातार दूसरी बार दुनिया के टॉप बैंकर का दर्जा हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में शीर्ष स्थान पाने पर उन्हें बधाई दी और एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये उपलब्धि RBI में उनके नेतृत्व
और आर्थिक विकास और स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में उनके काम को मान्यता देती है। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट कार्ड 2024 में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरी बार A+ रेटिंग दी गई है। आपको बता दें कि ग्लोबल फाइनेंस 1994 से सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट कार्ड प्रकाशित करता है। यूरोपीय संघ, पूर्वी कैरिबियाई सेंट्रल बैंक, मध्य अफ्रीकी राज्यों के बैंक और पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के केंद्रीय बैंक के अलावा लगभग 100 महत्वपूर्ण राष्ट्रों के केंद्रीय बैंक गवर्नर को रैंक प्रदान करता है। लगातार दूसरी बार दुनिया के टॉप बैंकर बने आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि प्रमुख नीतिगत रेपो दर को कम करने का निर्णय मुद्रास्फीति पर निर्भर करेगा और जुलाई में खाने पीने के सामान और सब्जियों की महंगाई में गिरावट दरों में कटौती के लिए पर्याप्त नहीं है। केंद्रीय बैंक ने के गवर्नर ने कहा है कि नीतिगत दर में कमी न करने के कारण आर्थिक विकास पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न्यूनतम और नगण्य है। उन्होंने कहा कि हम अब भी 7.2% की दर से बढ़ रहे हैं, जो दुनिया में सबसे तेज है। विकास बरकरार है, स्थिर है, मजबूत है, लेकिन हमें मुद्रास्फीति को कम करने की जरूरत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुद्रास्फीति 4% के आसपास रहेगी। और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक और वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो उस लिहाज से एक और बड़ी और बेहतर खबर। आपको बता दें, बढ़ते मुनाफे के बीच भारतीय कंपनियां सालाना 45 से 50 अरब डॉलर का निवेश करने को तैयार हैं। मूडीज रेटिंग की रिपोर्ट के अनुसार मजबूत कॉरपोरेट आय के कारण निवेश चक्र में तेजी आने से सालाना 45 से 50 अरब डॉलर का निवेश की उम्मीद इसमें जताई गई है। भारतीय कंपनियां उपभोग वस्तुओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नई क्षमता में निवेश करेंगी, जिसमें उनके पूंजीगत व्यय का बड़ा हिस्सा आंतरिक नकदी प्रवाह के माध्यम से वित्त पोषित होगा। उम्मीद है कि ऑटोमेटिव, धातु और खनन, प्रौद्योगिकी, मीडिया और दूरसंचार क्षेत्र की कंपनियां कुल पूंजीगत व्यय का लगभग 1/3 हिस्सा लेंगी, जिसमें हर साल लगभग 15 से 16 बिलियन डॉलर का निवेश होगा। तेल और गैस क्षेत्र की कंपनियों से कुल पूंजीगत व्यय का 60% निवेश करने की उम्मीद है। मूडीज ने कहा है कि इन कंपनियों की आय को विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे पर खर्च, घरेलू ऊर्जा खपत में वृद्धि और कनेक्टिविटी की बढ़ती मांग से समर्थन मिलेगा। आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के तहत विनिर्माण को बढ़ावा देने से अगले कुछ वर्षों में क्षमता विस्तार और निरंतर पूंजीगत व्यय को समर्थन मिलेगा। साथ ही भारतीय कंपनियों की घरेलू तरलता और आंतरिक नकदी प्रवाह में सुधार से पूंजीगत जरूरतों में मदद मिलेगी। वहीं देश के विकास की जब हम बात कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है तो राज्यों पर भी अगर बात हम करें तो उत्तर प्रदेश सरकार राज्यों को $1 trillion की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक मिशन मोड में है। इसका परिणाम है कि सूबे के अलग अलग सेक्टर्स में बढ़ोतरी हुई है। कृषि, खनन, निर्माण, ट्रांसपोर्ट और रियल एस्टेट सेक्टर मजबूत हुआ है। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन सेक्टर में सर्वाधिक मजबूती देखने को मिली है। वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद जहां 22.84 लाख करोड़ रुपए से अधिक था, वहीं वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में ये बढ़कर 25.48 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया। वित्तीय वर्ष 2022 और 23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के बीच सकल घरेलू उत्पाद में कई सेक्टर्स में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। कृषि, फॉरेस्ट्री और फिशिंग सेक्टर 52.97 करोड़ से बढ़कर 59.75 लाख करोड़ रुपए हुआ। खनन और उत्खनन सेक्टर में 22,000 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 30,000 करोड़ रुपए की बढ़त हुई। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 2.63 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2.79 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन सेक्टर में 1.81 लाख करोड़ से बढ़कर 1.98 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाओं में 3,29,000 करोड़ से अधिक की वृद्धि हुई है। अर्थव्यवस्थाओं के तीनों सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में ये वृद्धि दर्ज की गई है। और आइए बात करते हैं, दरअसल मौसम के चलते भारी बारिश अलग अलग राज्यों में हो रही है और वहीं इसको लेकर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने गृह मंत्री अमित शाह को राज्य में आई भीषण बाढ़ से उत्पन्न मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने राहत प्रयासों में सहायता के लिए NDRF की अतिरिक्त टीमें भेजने का अनुरोध किया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने कहा कि गृह मंत्री उन्हें संकट के दौरान हर संभव सहायता का आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया है। इससे पहले कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में
बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की थी। तो फिलहाल के लिए मिड डे प्राइम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।